हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मारिया कुकिंग स्टूडियो। आज की रेसिपी है बीफ निहारी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तीन खाने का चम्मच चक्की का आटा लेके हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। जैसे इसका कलर हल्का सा गोल्डन होना शुरू होगा और इसमें से खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक पतीले में एक कप ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। निहारी के लिए मैंने एक किलो बीफ लिया है और इसको मैंने बड़ी साइज की बोटियों में काट लिया। निहारी में जो बोटियां काटी जाती है निहारी के लिए उसको बड़े पीसीस में काटा जाता है, तो आप भी इसी तरह से बड़े पीसीस में बोटियां काट लें। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गोश्त को डाल देते हैं। गोश्त को हम इसका कलर चेंज होने तक भून लेंगे। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें शान का एक पैकेट निहारी मसाला डाल देंगे। अब मसाले के साथ गोश्त को एक मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पे मैंने आग को बहुत हल्का कर दिया। गोश्त को हमने मसाले के साथ एक से दो मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें 2.5 से 3 लीटर पानी डाल दूंगी। अब हम इसको कवर करके 2.5 से 3 घंटे के लिए हल्की आग पे पकाएंगे। गोश्त को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसमें फ्राई की हुई ब्राउन प्याज शामिल कर देंगे और इसको दोबारा कवर करके पकने के लिए रख देंगे। आटे में पानी डालेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं और अब हम गोश्त चेक कर लेते हैं कि गला है कि नहीं। और ये देखें कितना अच्छा सा गोश्त गल चुका है, इसके ऊपर तरी आ चुकी है। अब हम इस तरी को एक बोल में निकाल लेंगे, इस तरह से डीप कोई चम्मच लेके सारी तरी को निकाल लेंगे और इसको हम एंड में सर्व करेंगे। ये देखें, तरी हम इसमें से इसलिए निकालेंगे क्योंकि जब हम इसमें आटा डालेंगे तो ये सारी तरी जो है ये शोरबे के अंदर गुम हो जाएगी, इसलिए हम इसको निकाल लेंगे और फिर बाद में ऊपर से सर्व करेंगे। तरी को मैंने एक बोल में निकाल लिया और इसको साइड पे रख देंगे। अब जो हमने आटे का घोल बनाया था ये हम इसमें डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको हिलाते जाएंगे। अब हम इसको दोबारा 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आग पे पकाएंगे, लेकिन साथ साथ हम इसमें चम्मच भी हिलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें आटा डाला है तो ये नीचे भी लग सकता है। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है और मैंने इसका नमक चेक किया है तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देती हूँ। पैकेट के अंदर सारे नमक और मसाले शामिल होते हैं तो इसलिए आप एंड पे इसका नमक चेक करके मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। निहारी हमारी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। निहारी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अब जो हमने साइड पे तरी निकाल के रखी थी वो हम इसके ऊपर से सर्व कर देंगे। जूलियन कट, अदरक डाल देंगे थोड़ी सी और हरी मिर्च भी डाल देंगे थोड़ी सी। मज़ेदार निहारी तैयार है।